कर्नाटक में चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और खबर यह है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री का नाम कांग्रेस ने तय कर लिया है। सिद्धरमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। इस बात पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार मान गए हैं। डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक भी होनी है, जिसमें नई सरकार के गठन को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और सिद्धरमैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में चुनाव संपन्न होने के बाद लोगों को इंतजार है मुख्यमंत्री के नाम का। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर हमें देंगे। उमा, अब मुख्यमंत्री का नाम, उप मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, विधायक दल की बैठक में आज क्या खास रहने वाला है? जी देखिए, जो फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल की बैठक में, उस पर औपचारिक मुहर लगेगी। औपचारिक तौर पे सिद्धरमैया को सीएलपी लीडर चुना जाएगा, तदनुसार वो मुख्यमंत्री होंगे। और जहां तक डीके शिवकुमार की बात है, तो उनके खेमे की तरफ से भी इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो स्वीकार लिया है। इससे पहले काफी लंबी बैठकों का जो सिलसिला है वो चला। ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि डीके शिवकुमार जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को काफी हार्ड कर लिया है, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि सोनिया गांधी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद उन्होंने अपना जो दावा है मुख्यमंत्री पद का वो छोड़ा। और वो पहले से लगातार बार बार ये कह रहे थे, सोनिया गांधी के प्रति अपनी वफादारी और लॉयल्टी जो है वो दिखा रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि जब सोनिया गांधी इंटरवीन करेंगी तब कहीं जाकर वो मानेंगे। तो अब वही बात है, वो हो गई है। और अब जो डीके शिवकुमार हैं वो उप मुख्यमंत्री होंगे, वही एक उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले जो एक फॉर्मूला कही जा रही थी कि 2 या 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो वो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो कर्नाटक के प्रभारी जो हैं, कांग्रेस के प्रभारी, वो बने रहेंगे। यानी कि उसी तरह का फॉर्मूला जैसे राजस्थान में अपनाया गया था, सचिन पायलट जो थे वो राज्य के प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के और उप मुख्यमंत्री भी बने थे, तो तकरीबन वही फॉर्मूला अपनाया गया। एक और अहम बात ये आरजू की जो कैबिनेट का फैसला है वो भी तकरीबन ले लिया गया है और आज उस पर मुहर लग जाएगी। और उसके बाद दोपहर के आसपास तमाम जो लीडर हैं और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बेंगलुरु के लिए निकल जाएंगे, जहां शाम 7 बजे सीएलपी की मीटिंग होनी है और औपचारिक तौर पे इस फैसले पे मुहर लगनी है सीएलपी की मीटिंग में। शुक्रिया उमाशंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।